मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि ओला पीड़ित किसानों की कर्ज वसूली करेंगे स्थगित, मुआवजा और बीमा राशि से करेंगे नुकसान की भरपाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका हर गम मैं पी जाऊंगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले के ओला पीड़ित किसानों से चर्चा करने पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुलाबगंज क्षेत्र के पटवारी खेड़ी खुर्दा गणेशपुर गांव के किसानों से मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओला पीड़ित किसानों की कर्ज वसूली स्थगित करेंगे, किसानों के नुकसान की भरपाई और मुआवजा बीमा राशि से करने की कोशिश करेंगे। जिन किसानों के खेतों में 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है, उन्हें 32,000 प्रति हेक्टेयर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पहले ही सर्वे करने के आदेश अधिकारियों को दे दिए हैं। हर खेत में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए अधिकारियों से ईमानदारी से सर्वे करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान चिंता ना करें, हर किसान के खेत का सर्वे होगा। आज मैं ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। अभी विदिशा में हूं, फिर सागर जाऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के उन सब किसानों से जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैंने पहले ही फसल का जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे के आदेश दे दिए हैं। यहाँ विदिशा जिले के कलेक्टर, भोपाल संभाग के कमिश्नर, बाकी अधिकारीगण हैं और मेरे ये निर्देश सभी जिलों को चले गए हैं। हर खेत में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि हजारों हजार किसानों का नुकसान हुआ है। अब ये सर्वे होगा, कई जगह सर्वे चल रहा है, ईमानदारी से सर्वे होगा। कोई किसान ये चिंता ना करे कि मेरी अगर नुकसान हुआ तो फसल का सर्वे नहीं होगा। जहां फसल का नुकसान हुआ है, हर खेत का सर्वे किया जाएगा और सर्वे भी मानवीय दृष्टिकोण से होगा। वो कांग्रेस की सरकारें होती थी कभी, जो कहते थे कि नुकसान हो तो ज्यादा मत लिखना, कम लिख देना ताकि राहत की राशि नहीं देना पड़े। मैं साफ कह रहा हूं कि उदारता पूर्वक करना है, किसानों को राहत देने के लिए करना है, और इसलिए सर्वे में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को लिखने में कोई कोताही किसी भी कीमत पर नहीं बरती जाए। गेहूं हो, सरसों हो, धना हो, चना हो, मसूर हो, या कोई जगह हॉर्टिकल्चर की फसलें भी, उन सब का सर्वे होगा काम। और दूसरे हम बिजली बिल, कुछ लोगों ने, एक मिनट, कुछ लोगों ने ये नहीं करवाया था रजिस्ट्रेशन, गेहूं का नहीं हुआ था खरीदी का, तो जो किसान रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल भी फिर से मैं खुलवा दूंगा, ताकि समर्थन मूल्य पे अगर बेचना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। बिजली बिल वसूली भी जिनका नुकसान हुआ उनकी स्थगित हो जाएगी। सर्वे भी केवल एक विभाग नहीं करेगा, सर्वे तीन विभाग मिलकर करेंगे। एक राजस्व विभाग जिसका ये काम है, दूसरे राजस्व विभाग के साथ साथ पंचायत विभाग के कर्मचारी भी रहे और पंचायत विभाग के साथ साथ कृषि विभाग के कर्मचारी भी रहेंगे। उनके साथ हमारे जनप्रतिनिधि रहे और संयुक्त सर्वे इसलिए कि कहीं कोई बेईमानी भी ना हो और कोई उंगली भी ना उठे। और सर्वे में जिस नुकसान का आकलन होगा उसको हम पंचायत भवन में चिपकाएंगे पूरा, कि भाई इस किसान का इतना नुकसान हुआ है। ठीक बात है कि नहीं? ताकि सबके सामने सारी चीजें क्लियर रहे, उसमें भी कोई को आपत्ति है तो फिर हम देखेंगे कि आपत्ति में अगर कोई समस्या तो फिर उस आपत्ति का निराकरण भी सर्वे करके करें।
मैं अगर हूं तो इसलिए कि किसानों को राहत दूं, अपनी मेहनत मजदूरी दिन रात खेतों पर खड़ा रहता है किसान। आज किसान बहने भी आई है, क्योंकि अकेले भाई मेहनत नहीं करते, बहने भी मेहनत करती है, खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, और केवल पानी नहीं देते, अपना खून पसीना बना बना के भी खेतों में टपकाते हैं किसान, तब अन्न के कुछ दाने घर पे आते हैं। और आने के पहले अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन किसान भाइयों, दिक्कत है, परेशानी है, आपदा है, संकट है, लेकिन इस संकट से मैं पार करके आपको ले जाऊंगा, इसलिए आया हूं। और केवल यही नहीं, जितने जिलों में ओलावृष्टि हुई है या फसलों का नुकसान हुआ है, हर जिले के किसान भाइयों और बहनों, आपके साथ शिवराज सिंह चौहान खड़ा मैं हूं। चिंता तो है लेकिन परेशान मत होइए। हमने तय किया है कि 50% से ज्यादा जिन फसलों में नुकसान है वहां हम किसानों को 32,000 रुपए प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि देंगे। और ये राहत की राशि तो ये राहत की राशि अलग होगी, फसल बीमा योजना की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करके इस राहत के बाद फसल बीमा योजना भी दिलवाऊंगा, और दोनों मिला के आपका जितना नुकसान है उसकी भरपाई कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आंखों में आंसू मत लाइए, और नहीं तो मेरे मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही क्या आपकी आंखों में आंसू आ जाए। और नुकसान केवल फसलों का नहीं, फसलों के अलावा भी अगर कोई नुकसान हुआ है, कुछ जगह मुझे पता चला है पशु की हानि हुई है, भैंस गाय वगैरह, तो पहले 30,000 रुपया देते थे, भगवान न करे हुई तो 37,500 रुपया देंगे। भेड़ बकरी अगर कहीं मरी है, कुछ जगह ऐसा हुआ है, तो 4,000 रुपया देंगे। बछड़ा बछिया अगर मरे हो तो 20,000 रुपया देंगे। मुर्गा मुर्गी मरे होंगे तो 100 रुपया प्रति मुर्गा मुर्गी देंगे। फिर मकानों में भी अगर कोई नुकसान पहुंचा हो तो मकानों में भी नुकसान की भरपाई करेंगे। तो कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि जिसकी भरपाई ना की जाए, जिसमें राहत की राशि ना दी जाए, और जिन किसानों की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है उनकी कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी। कर्ज वसूली स्थगित करके कर्जे का ब्याज भी मामई भरवाएगा, और अगली फसल के लिए 0% ब्याज पे फिर से आपको कर्जा दिलवाने का काम करेगा। परेशानी है लेकिन चिंता मत करना, अगर बिटिया की शादी थी और फसल नष्ट हो गई हो तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 56,000 रुपए की सहायता भी बिटिया की शादी में दी जाएगी। जो जरूरत है सब पूरी करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और मैं पूरे प्रदेश के किसानों से यहां से कह रहा हूं, इस संकट के पार जाएंगे, आप चिंता ना करें। इसलिए मैं आज ओला प्रभावित क्षेत्रों में निकला हूं, आपकी परेशानी मुझे दे दो, आपके गम मैं पी जाऊं, ताकि मेरा किसान सुखी हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपदाग्रस्त किसान की बिटिया की शादी थी तो उसके लिए भी चिंता ना करें, 56,000 रुपया बेटी की शादी के लिए भी देंगे, ताकि बेटी की शादी ठीक से हो जाए और शादी में कोई व्यवधान ना आए। कुल मिला के संकट किस पार निकाल के हम ले जाएंगे, किसान भाई बहन चिंता ना करें। किसानों के बीच में निकला हूँ, और निकला हूँ तो पूरे प्रदेश के किसानों को संदेश दे रहा हूँ यहाँ से कि दिक्कत परेशानी और संकट है। फसलों को कई जगह कई गांव में व्यापक नुकसान पहुंचा है, किसान की आंखों में आंसू है, मेहनत तो गई लेकिन खाद बीज कीटनाशक उन सब का खर्चा, और अगला साल कैसा चले इसकी चिंता। लेकिन किसान बहनों और भाइयों से मेरी अपील है कि चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है,
मन में तकलीफ होगी मैं मानता हूं, लेकिन मैं हूं इसीलिए कि संकट के पार किसान को निकाल कर ले जाऊं। हर खेत में मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन संदेश पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है कि अगर आपकी फसलों को 50% से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है तो 32,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से हम राहत की राशि देंगे। और ये राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का लाभ अलग से देके राहत की राशि और फसल बीमा योजना दोनों मिला के उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। हमने ये फैसला भी किया है कि प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी, कर्ज का ब्याज भी सरकार भरवाएगी और अगले साल 0% ब्याज पर ही उनको कर्जा मिले, इसका पुख्ता इंतजाम हम करेंगे ताकि किसान अपनी फसल ले सके। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर फसलों के अलावा, फसलों में सब शामिल है, गेहूं, चना, धना, मसूर, अगर हॉर्टिकल्चर की फसलें हैं तो वो भी, जहाँ नुकसान हुआ सबको शामिल करेंगे, पशुओं का अगर नुकसान